जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। पुरतशद्दुद हुजूम ने गवादर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों पर हमला किया है। जबकि ISPR के मुताबिक गवादर में शरपसंदों के हमले में सिपाही शहीद और एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज बलूचिस्तान में जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, और उससे पहले बड़े अफसोसनाक वाकयात बलूचिस्तान में, इसमें एक महरंग बलोच हैं जो इमर्ज की हैं, और वो रियासत के खिलाफ इस वक्त जिसे कहते हैं ना मेन आवाज बनी हुई है, पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज कर रही है। ये जो मारामारी है, ये जो गुंडागर्दी है, वो गवादर की सिचुएशन को डिजास्टर्स करार दे रही हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात कर रही हैं। एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में इमर्ज हो रहा है, वो ये है कि जो बलोच खवातीन है वो पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट उठ रही हैं। तो कुर्रम जिले में जो इतने बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ है, पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया से क्यों गायब है? जो मकामी वहां पर लोग हैं उनका यही कहना है, यानी शाहिदीन है, कि ऐसा लग रहा है कि ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है। मसलन इसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े जो हथियार हैं, बंदूकें हैं। इस वक्त गवादर ट्रेंड कर रही है, वहां पर जो बलोचिस्तान यकजहती जो कमेटी है उन्होंने एक मैसिव प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन दिए हुए हैं, हजारों लोग वहां पर जमा हैं। मतलब हर तरफ साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे पहले हमने कश्मीर में देखा था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लोग अब खुलकर पाकिस्तानी सेना की जातियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोमवार को प्रांत के ग्वादर जिले के राष्ट्रवादी बलोच आंदोलनकारी बलोच जगजहदी समिति की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और वह वहां तैनात सुरक्षा बलों के साथ भिड़ गए। पाकिस्तानी सेना के एक जवान की मौत हो गई है और एक अधिकारी समेत 16 अन्य घायल हो गए हैं। अपने सदस्यों की रिहाई की मांग को लेकर दो दिन से गवादर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। समिति की नेता महरंग बलोच ने कहा है कि जब तक हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों के अनुशासन और साहस की सराहना करते हुए महरंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज आप लोगों ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि राज्य की बंदूकें और शक्ति लोगों के सामने धूल का ढेर है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के सामने धरने पर हमला किया। अब बशानी साहब, बात करनी है आज आपसे कि पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट है वो पहले ये ज्यादातर प्रोटेस्ट पेरिफेरी में भी होते रहे हैं, सेंटर में भी होते रहे हैं, एक प्रोटेस्ट हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की खवातीन हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हुकूमत कह रही है कि हम आपको एक डेजिग्नेटेड जगह देते हैं, वहां जाके प्रोटेस्ट करें। वो कह रही हैं कि नहीं, हमें अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट करना है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खींचातानी हो रही है। इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं जमात इस्लामी जिन्हें प्रोटेस्ट निकाला हुआ है बिजली की महंगाई के खिलाफ। पारा चनार में तकरीबन 45 लोग मारे गए हैं शिया सुनी फसादात में। मतलब हर तरफ साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे पहले हमने कश्मीर में देखा था, उससे पहले थोड़ा चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान में। तो बहुत सारी जो फॉल्ट लाइंस हैं कि लोग, यंग लोग, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो निकल रहे हैं पेरिफेरल एरियाज में, अभी सेंटर से नहीं निकल रहे, नॉट फ्रॉम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उस तरह नहीं है। आप सब इसको कैसे रीड करते हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, एंड पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर जो ट्राइबल लीडर्स पहले लीड किया करते थे, अब वो जो है उनकी जगह पे मिडिल क्लास खवातीन पढ़ी लिखी जो है वो बाहर निकल रही हैं, इसकी क्या वजूहत है? और सब ये हुकूमत पाकिस्तान तो ये कहती है, जो खासतौर पर बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि ये बेसिकली जो BLF जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके लोग हैं और ये उनका एक सिविलियन फेस है। How do you see these protests, जो सो ये जो ओवरऑल पिक्चर डेवलप हो रही है सर? देखें जी, प्रोटेस्ट में कौन क्यादत कर रहा है और कौन आगे आ रहा है,
ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं, हमेशा से रहे हैं, चलते रहे हैं कि जो तहरीकें होती हैं वो मुख्तलिफ औकात में हालात के मुताबिक जो है वो लीडरशिप को आगे पीछे करते रहते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो चूँकि एक बहुत ही एक नाउन किस्म का पैटर्न रहा है उनका, कि जो लीडर ज़्यादातर बड़े हैं वो या तो उसको लीड करते रहे अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल एजिटेशन था तो, या फिर ये है कि उसके ख़िलाफ़ एक मसला बगावत मुख्तलिफ जगहों पे स्पेशली पहाड़ों पे और इस तरह की दूसरी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे होती रही है। तो जाहिर है कि ये तहरीकें सारी जो हैं वो बड़ी एक लंबे अरसे से चल रही हैं और उन्होंने एक तजर्बा तो ज़ाहिर हासिल किया है ना फील्ड में लंबे एजिटेशन और सेक्रीफाइस के बाद, तो वो उन्होंने देखा है कि कहाँ कहाँ पे हमें जो है वो इस तरह की कोई तब्दीलियां कर सकते हैं जिसकी वजह से तहरीक जो है उसको रीस्टार्ट किया जाए या नए तरीके से उसको अवाम में ले जाया जाए। तो उसमें देखें ये जो है स्पेशली जो वीमेन फैक्टर है जो आगे आ रहा है ये पूरी दुनिया में इस तरह है, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहरीकों में स्पेशली यंग खवातीन जो हैं लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ की और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तहरीकों को लीड कर रहे हैं। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको जो है वो बलूचिस्तान में भी नज़र आ रही है और ये कोई महज इतफाक नहीं है बल्कि एक अरसे से बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की जो मजामती कुवतें आप इनको कह सकते हैं ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी प्रोडक्ट हैं गुज़श्ता 70-75 साल के दौरान। तो उनके अंदर जो है ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ है लेटली गुज़श्ता 5-6 सालों में कि एक दो क़यादत जो है वो यंग लोगों को दी जाए और दूसरा ये है कि ज़्यादातर वीमेन और इस तरह का जो सॉफ्ट फेस है उसको सामने लाया जाए। आप ये देखेंगे गुज़श्ता 6-7 सालों में बलूचिस्तान में बहुत सारी ख्वातीन स्टूडेंट्स मुल्क के अंदर या बाहर जो है वो शहीद भी हुई हैं और इस तरह दीगर अरेस्ट भी हुई हैं और एजिटेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये मुझे इसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती। नई चीज़ ये है कि उसमें एक कंसेंसस आ गया है कि ये जो हमारे मुतालबात हैं ये दुरुस्त हैं, इसके लिए जाहिर है कि लड़ाई लड़ी है हमने, बहुत हद तक जो है खून खराबा भी देखा है, कत्ल वारत गरी भी हुई है लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अब इसको एक पुरामन तरीके से एक पीसफुल मूवमेंट के तौर पे वो जो है वो रीलॉन्च किया उन्होंने, जिसका नतीजा आपने देखा अब ये एजिटेशन तो बलूचिस्तान। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।